की एकता समय की मांग। तो सामाजिक न्याय की शक्तियों के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय की शक्तियां वो तमाम जातियां जिन्हें आदर्शसूचक जातियों में, तो आदर्शसूचक जातियां और दूसरी थी निरादर, जिनका होता है उनके जातीय नाम से ही निरादर हो जाता है। तो जो आदर्शसूचक जातियों के अलावा है जिनका सम्मान नहीं है, वो हमेशा आदर के लिए सामाजिक न्याय की मांग करती रही है, वो तमाम जातियां। और वैसे ही धर्मों में, और ये धर्मों में भी आप देखिए, हिंदुस्तान में बुद्ध के बाद से यहाँ पर जैन और उसके बाद तमाम जो धर्म रहे हैं इस्लाम, तो क्यों मतलब हिंदू धर्म में इतना अच्छा रहा होगा तो बाकी लोग क्यों अलग अलग नई नई चीजें बुलाते नए नए प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक न्याय की वो तमाम शक्तियां जो कहीं ना कहीं अपने जीवन मरण में न्याय की उम्मीद किए रहती है, उन तमाम शक्तियों का इकट्ठा होना ये समय की पुकार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया या उन्होंने नहीं किया। कभी आपने सोचा वो कांग्रेस में कौन लोग थे जो राज कर रहे थे, या कांग्रेस के समय में कौन सारे जजेज होते हैं, कौन सारे मंत्री होते हैं, कौन सारे आईएएस आईपीएस होते हैं, और बीजेपी के समय में कौन कौन से लोग हैं? वो सारे वही लोग हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी बदली हो, शासन चलाने के लिए वही लोग रहे हैं। वो एक मंच पर फेल होते हैं, दूसरे मंच का नाम लेके सामने आके आते हैं, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय से वंचित कर दिया जाएगा। और तमाम तरह के प्रलोभन प्रपंच करते हैं, धर्म का नारा दे देंगे हिंदू है, बाकी दलित कभी हिंदू नहीं थे, उन्हें मंदिर में नहीं जाने की मनाही होती है। आज के आजादी के इतने साल बाद लोगों को घोड़ी पर चढ़ के अपनी बरात निकालने के लिए नहीं एक मौका मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार उनको मौका नहीं दे पा रही है, कानून में हाईकोर्ट उनको मौका नहीं दे पा रहा है, तो कहां कहां किस समय में जी रहे हैं? हम कहते हैं अभी कासगंज का ये है, जब फिर कासगंज में वहां कोई अपनी बरात को घोड़ी पर चढ़ के निकालना चाह रहा है, नहीं है कोई हाईकोर्ट जो कहता है कि वहां दंगा हो जाएगा, दंगे की वजह से लोगों के संविधान का अधिकार को रोक दिया जाएगा, वो इसलिए आप सब लोग ये जान जाइए कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो पार्टियों में, हर पार्टी में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से वही काम कर रहे हैं, वही राज कर रहे हैं। संविधान में अभी आप देखिए जैसे कि ये उदाहरण है, अगर किसी केस में ये कहा जाए कि इसको आप सुन लीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई जांच हो जाए तो उसकी जरूरत क्यों नहीं है? देश की जनता चाहती है कि कोई जांच, अगर संविधान में अधिकार है कि कुछ लोगों को मन में संदेह है तो जांच भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो एक बार विशेष के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो न्याय की न्यायपालिका है और संसद हो, हर जगह वो अपना मनमानी किए जा रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि उन सारी शक्तियों को, तमाम जातियों को पहचानिए जो तरह तरह के प्रपंच प्रलोभन देखे करती हैं। अभी हमारे एक साथी भक्त साहब ने कहा कि कुछ लोग हमारे में से, मैं तो उन्हें कदार कहता हूँ, जो दूसरी तरफ जाके वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, वो कदार लोग हैं जो विधायक या एमपी बन के तो चले जाते हैं लेकिन अपने समाज की बात कभी नहीं बोलते, समाज के नाम पर वो सर्टिफिकेट यूज करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी का फॉर्मूला उनके दिमाग में ही नहीं है। जिस समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए आप पार्लियामेंट या विधानसभाओं में बैठे हैं और उस समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या देश के तमाम, अभी 2 अप्रैल की घटना के बाद तमाम सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, बहुत सारे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए 80-85 एमएलए भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। क्यों भाई, तुम नहीं हो तो दूसरा कोई पहुंच जाएगा, तुमने जिस काम के लिए भेजा था काम को नहीं कर लिया। तो ऐसे सारे लोगों का भी आप सब लोग घेराव करिए, उनका बाइकैट करिए, अगर वो लोग अपने समाज की बात नहीं कर रहे, समाज के नाम पर आप सुविधाएं लेके पहुंच रहे हैं कहीं और एक नारा मारा बना देते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम हिंदू में से कुछ नहीं, आप जान लीजिए कोई
काटने की आपकी समस्या खत्म हो गई। आज इस्लाम के लोग घोड़े पे बैठ जाएंगे, लेकिन दलित और हिंदू बने रहे तो घोड़े पर नहीं बैठ सकते। तो आप मतलब ऐसे लोगों को, उन सब लोगों को कभी हिंदू मुस्लिम के चक्कर बिल्कुल मत आइएगा, और ये मैसेज दीजिएगा कि वो उनको हमारी और हमें उनकी जरूरत है। अगर हम हिंदू में मुस्लिम और दलित अलग रहे तो एक एक करके सब पिटेंगे। तो उस चीज को समझिए, अगर कहीं मुस्लिम समाज का अन्याय हो रहा है तो आप सब लोग खड़े हो जाइए, और आपका न्याय है तो वो हमारी मदद करेगा। सामाजिक न्याय की शक्तियां यही है। सामाजिक न्याय तभी होगा जब दूसरे की पीड़ा में आप उसके साथ खड़े होंगे। मेरा यही निवेदन है, इस तरह की शक्तियों को पहचानिए और वक्त आने को उनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आवाज नहीं उठाते। जब तक आप आवाज उठाना नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ परिवर्तन होगा। जहां पर न्याय हो रहा है आवाज उठाइए। कोई नहीं, संविधान ने हमारे दादा हमारे बाप दादाओं ने संविधान दिया है। आज लोग संविधान बदलने की बात करें, संविधान लिखना तो आता नहीं है, बदलो कैसे, क्या करोगे? मनुस्मृति लाएंगे। मनुस्मृति में तो पहले ही अनुभव साहब तमाम अन्याय होते रहे हैं। आप लोग देव उठावनी करते हैं, जो शूद्र भगवान राम से मरवा दिया शंभू ऋषि को, शंभू ऋषि को ही देव उठावनी वाला प्रसंग है उनके साथ। या अंगूठा काट लिए, काबिल लोगों के अंगूठा काट लिए। तमाम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया, टीना डावी ने जो शादी की है, शादी व्यक्तिगत मामला, उनकी चॉइस है, उनके हिसाब से काबिल लड़का मिला हुआ है। अगर ब्राह्मण लड़के शादी कर लेते कोई क्वेश्चन नहीं करता, मुस्लिम लड़के से क्यों कर दिया? क्या भाई आप आमिर खान को जीजू कहना बहुत अच्छा लगता है आपको, शाहरुख खान को आप जीजू बोलोगे, मेरी मुसलमान है तो जीजू बोलने में शर्म आती है क्या? आप बोलिए ना, अभी है उनके साथ तो आप संबंध सभी के हैं। मुनिगुल जोशी साहब की परिवार से हैं, तमाम बड़े बड़े जो विश्वजीत प्रसाद और बीजेपी के नेता हैं, इनकी बेटियां इस मुस्लिम परिवारों में हैं। तो कोई कुछ नहीं करता, गरीबों में मतलब कुछ सब हो जाता है। तो मैं अपने बाप को विराम देना चाहूँगा।